चैनल स्टार शाइन्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे और फेस्टिवल्स की तैयारी में लगे होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम अपना फेस को पैम्पर करेंगे, अपने फेस को मसाज देंगे, स्क्रब करेंगे, बस। नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद आप जो भी अपनी डे क्रीम लगाते हो, SPF 50 लगाते हो या नॉर्मल जो भी आपकी डे क्रीम्स होती हैं, आप वो लगा के अपने पूरे दिन आप इंजॉय करो अपने डे को। बनाना के बेनिफिट क्या होते हैं कि जब आप बनाना से मसाज करोगे ना, तो बनाना के बेनिफिट ये है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो नॉर्मल कर देगा, ऑयली है तो भी वो नॉर्मल कर देगा, और डार्क कॉम्बिनेशन है कि मतलब कहीं से आपकी लाइट है कहीं से डार्क है, तो उसमें भी ये फ़ायदा करेगा, आपकी स्किन को बिल्कुल धीरे धीरे करके नॉर्मल टोन पर ले आता है। बनाना स्किन को शाइन भी देता है, ग्लो भी कराता है, और जो आपके फेस पर थोड़े दाग धब्बे हैं उनको कम भी करता है। तो बनाना के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आप एक बार बनाना से जो है ये वाला क्लीन अप करके देखना, क्योंकि क्रीम ही लगती है बनाना, तो बनाना से आप जरूर सुबह को ये करके देखना, आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छी स्किन आपको लगेगी और ग्लो भी करेगा। फिर आती है हमारी शाम की बारी, तो हमें क्या करना है, एक बादाम को कद्दूकस करके रॉ मिल्क में हमें मिलाना है, कच्चे दूध में मिलाना है, उसके बेनिफिट्स और प्रॉपर्टीज अलग होती हैं रॉ की, तो इसीलिए हमें कच्चे दूध में मिलाना है, और ये हमारा हो गया स्क्रब तैयार। तो इससे हमें फिर से सर्कुलर मोशन में फिर से हमें स्क्रब करना है, और धीरे धीरे स्क्रब करना है फिर से 8 to 10 minutes के लिए। 8 to 10 minutes के बाद में आपको क्या करना है कि नॉर्मल पानी से आप वॉश करिए, और फिर आपको लगाना है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल जो है आपको स्क्रब के बाद में लगाना है, अच्छे से फेस वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से स्क्रब करने के बाद, ठीक है। उसके बाद में आपको एलोवेरा जेल लगाना है अपना। मैं पतंजलि का लगाती हूँ, आप कोई भी लगा सकते हो, उसको भी आपने अपने फेस पर लगाकर छोड़ देना है और सो जाना है। एलोवेरा जेल का क्या है ना कि इसको जब हम मसाज देते हैं ना, तो बहुत अच्छा सा शाइन आ जाता है। तो स्क्रब के बाद इसको आपको लगा करके छोड़ देना है। ये जो मैंने बताया है बनाना जो क्लीन अप करना है, सुबह शाम में स्क्रब करना है, रात में एलोवेरा जेल लगाना है, ये आप 5 दिन में एक बार ज़रूर कर लिया करो, ठीक है। और फिर 1 हफ्ते में एक बार शाम के टाइम, जब आपको धूप में नहीं जाना है, शाम के टाइम आपको, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी मुल्तानी मिट्टी, अप्लाई करनी है। यही वाली करें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी है मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी आपको 1 चम्मच लेनी है और रोज़ वाटर मिलाना है, और अपने फेस पर, पूरे फेस और नेक पे लगा के छोड़ देना है। Cause I'm
मुल्तानी मिट्टी का वर्क ये होगा कि जितनी भी डेड स्किन होगी ना वो सब रिमूव कर देगी और आपके फेस को रिलैक्स देगी। क्या होगा ना कि मुल्तानी मिट्टी से आपकी स्किन को रिलीफ मिलता है काफ़ी, क्योंकि पूरे दिन भाग दौड़ पॉल्यूशन डस्ट, तो इससे क्या करती है ठंडी ठंडी होती है, तो इसलिए बहुत रिलैक्स मिलता है इसको लगाने से और वैसे भी अच्छा लगता है इसको लगाने से। अगर डेड स्किन नहीं भी हो तो मुल्तानी मिट्टी मुझे ये वाली सबसे अच्छी लगी है। इसको 5-10 मिनट पहले आप उसमें रोज़ वाटर में लगा के छोड़ दो मिला के और फिर आप लगाओ इसको। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, हफ्ते में सिर्फ एक बार मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाना है, वो बहुत ज़रूरी होता है चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि डेड स्किन तो सर्दी और गर्मी दोनों में ही होती है। तो ये सब आप करके देखिए, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी और फेस्टिवल के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाएगी। तो कभी कभी बड़ी बड़ी दवाएं भी नहीं लगती स्किन पे और कभी कभी छोटे से उपाय भी लग जाते हैं, तो इसीलिए आप ये छोटी छोटी सी उपाय करके देखना, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी। तो जाने से पहले मैं यही बोलूँगी, ज़रूर कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना हो सके तो। और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।